उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत उदयपुर जिले के खेरोदा थाना पुलिस ने होटल वासुदेव के सामने नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी से अफीम पकड़ी है। थाना अधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान स्कूटी पर दो संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, जिन्हें रुकवा कर पूछताछ की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिस पर थाना अधिकारी पाटीदार ने उनकी स्कूटी के लिए खुलवा कर चेक किया तो उसमें एक प्लास्टिक की थैली में अफीम मिली, जिसका वजन 1 किलो 800 ग्राम था। पुलिस द्वारा उक्त अफीम व स्कूटी को जब्त किया गया और स्कूटी पर सवार गणेश लाल पिता मोहनलाल तेली और राधेश्याम पिता दीपलाल तेली को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।